हेलो दोस्तों, मैं बहुत सारी बातें बोलकर आप लोगों को बोर नहीं करूंगा। सीधे टॉपिक पर आता हूं। सिंपल सी बात है, आप लोग इस वीडियो में ये जानने आए हैं कि काइन मास्टर से बनाए गए वीडियो का वाटरमार्क कैसे हटाएं। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं। मैं हूं आप लोगों का दोस्त मनीष प्रजापति। आप देख रहे हैं MKSSP यूट्यूब चैनल। नो बकवास, ओनली झकास। दोस्तों, काइन मास्टर से वाटरमार्क हटाने के लिए या तो आप इस ऐप को अपग्रेड कर लीजिए, जिसके लिए कुछ पैसे लगेंगे, या दूसरा तरीका अपना सकते हैं, जैसे कि मैं करता हूँ। आप सबसे पहले काइन मास्टर से वीडियो को एडिट करके सेव कर लीजिए, जो कि आपके गैलरी में आ जाएगा। अब जब हम इसे प्ले करते हैं तो इसमें वाटरमार्क आया हुआ है। अब इसे हटाने के लिए दो तरीके अपना सकते हैं, या तो वीडियो को क्रॉप करके या फिर वाटरमार्क को छुपा करके। अब वो कैसे होगा, चलिए बताते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले एक ऐप इंस्टॉल करना होगा, जिसका नाम है यूकट। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं या प्ले स्टोर में जाकर के यूकट सर्च कीजिए और इंस्टॉल कर सकते हैं। इस ऐप की एक खास बात यही है कि इसमें एडिट किए हुए वीडियो को जब हम सेव करते हैं तो उसमें कोई वाटरमार्क नहीं आता है। अब हमें क्या करना है कि इस एप्लीकेशन को ओपन करना है, फिर प्लस के आइकन पर क्लिक करके उस वीडियो को इम्पोर्ट करना है जिसे आपने काइन मास्टर से बनाया है। अब उसके बाद वाटरमार्क हटाने के दो तरीके बताया था, तो सबसे पहले क्रॉप टूल का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्रॉप टूल ओपन कर लिया है। अब इसे फ्री के ऑप्शन पे छोड़कर कस्टम तरीके से भी क्रॉप कर सकते हैं। चाहे तो वीडियो की जिस भी साइज की रिक्वायर्ड है उसे सिलेक्ट करके क्रॉप कर लेंगे। जैसे कि मुझे YouTube के लिए चाहिए तो ये वाला ऑप्शन हम सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद लोगो को क्रॉप होने तक क्रॉप करेंगे, फिर सही के निशान पर क्लिक करके इसे सेट कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि आपकी वीडियो में कहीं भी वाटरमार्क नहीं दिखेगा, लेकिन इससे आपकी वीडियो का कुछ इम्पोर्टेंट हिस्सा भी कट सकता है, जिसे आपको दिखाना भी जरूरी है। तो उसके लिए आप क्रॉप मेथड का उपयोग ना करें, बल्कि दूसरा तरीका अपनाएं, जैसा कि मैं करता हूँ, वाटरमार्क को छुपाना। अब इसके लिए यहाँ पर जो स्टिकर का ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इमोजी, GIF और स्टिकर का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें से आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे यह वाटरमार्क छुप जाए। लेकिन मैं जनरली अपने चैनल का लोगो लगाता हूँ, उसके लिए स्टिकर के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और उसके बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करके अपना लोगो सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद इस स्टिकर पर क्लिक करके अपने लोगो को वाटरमार्क के साइज का करके वहाँ लगा सकते हैं, जिससे वाटरमार्क छुप भी जाएगा और वहाँ पर आपके चैनल का एक ब्रांड भी लग जाएगा। अब ऐसा करने के बाद ऊपर दिख रहे सेव के बटन पे आपको क्लिक करना है और सेव कर लेना है, जिसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी काइन मास्टर से वाटरमार्क हटाने का तरीका पता चल गया होगा। यदि हाँ, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।